ये लो माँ, हाथ से सारी प्रॉपर्टी आपके। क्या ऐसे कैसे कर सकते हो तुम निशान? तुमने सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी। अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? अरे मतलब इस सब की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी, अब तुम खुद देखो, ये जो नौकरी मुझे मिली है, मुझे पापा की बदौलती तो मिली है, क्योंकि पापा तो रिटायर होने से पहले गुजर गए और उनकी गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई, तो इन शॉर्ट ये सब कुछ मम्मी पापा का तो दिया हुआ है ना। और देखो मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कोई ये बोले कि सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा मैंने अपने नाम कर रखा है, मम्मी और भाई के नाम तो कुछ किया ही नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ माँ के नाम कर दिया। अब मम्मी डिसाइड करेगी कि ये प्रॉपर्टी मुझे कितनी मिलेगी और मेरे भाई को कितनी मिलेगी। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी, जो मेरा वो आपकी तो है, और भैया क्या ही फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी आपके नाम हो या मेरे। एग्जैक्टली सही तो कह रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स और जाके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। कैसी बातें कर रही हो यार, मैंने तो सारी प्रॉपर्टी अभी के अभी अपने माँ के नाम कर दी है, अब वापस अपने नाम क्यों करवाऊँ? और देखो यार समय का पता नहीं है, क्या मालूम कल को मेरा मन बदल जाए और मैं मम्मी और भाई के नाम कुछ भी ना करूं और सारी प्रॉपर्टी खुद खा लूं, क्योंकि देखो यार आज के टाइम में ना इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने सब कुछ मम्मी के नाम कर दिया, अब मम्मी डिसाइड करे जो भी करना है। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारा क्या ही भरोसा, मुझे लगता था तुम बुद्धू हो, लेकिन इतने बुद्धू ये नहीं पता था, अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम कर दी। अरे मैंने तो अपने प्यार छोड़ के तुमसे शादी करी क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी, इतना सारा पैसा था, लेकिन अब क्या ही फायदा, तुम तो कंगाल हो चुके हो, और अब जो मिलेगा वो भी आधा ही मिलेगा। क्या कह रहे हो तुम, ये मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ तुम मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थी। देखा बेटा मैंने कहा था ना, आ गया ना सारा सच तेरे सामने, क्यों साहिल? हाँ माँ सही बोल रहे, सही कह रही हूँ माँ, फाइनली हमारा ड्रामा भी काम कर गया। क्या क्या नाटक, क्या बोल रहे हो आप लोग? ये मतलब ये भाभी कि आपकी असलियत बाहर आ गई है, जब आप अपने दोस्त से बात कर रही थी तब माँ ने सारी बातें सुन ली थी। आई मिस यू टू बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। हाँ अब देखो ना, मम्मी पापा ने मेरी शादी हाँ करा दी, और वैसे ठीक ही हुआ, अब धीरे धीरे करके इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ और इन सबको छोड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ वरना कोई सुन लेगा। हाँ अच्छा तो ये मेरे बेटे ईशान को धोखा देने की सोच रही है, मुझे अब ईशान को बताना ही पड़ेगा। और हाँ भाभी ये प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, ये आपके डिवोर्स के पेपर हैं, ताकि भैया को आपसे छुटकारा मिल सके, और अब सारा सच सामने आ चुका है और ये वीडियो भी बन चुकी है, तो भैया को कोर्ट में आसानी होगी आपसे छुटकारा पाने में। डिवोर्स? नहीं नहीं ईशान, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, अरे हमारी शादी हुई है, साथ फेरे लिए हमने साथ में, तुमने मुझे साथ वचन दिए ईशान। वो तब तक था जब तक तुम मेरे साथ लॉयल थी, और अब जब तुम्हारी सच्चाई सामने आई गई है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसे चुपचाप अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मम्मी जी आप समझाइए। नहीं नहीं मैं आप क्या समझा सकती हूँ, जो मेरा बेटा कर रहा है ना बहुत अच्छा कर रहा है, जो डिसीजन इसने लिया है बहुत अच्छा लिया है, मैं इसके साथ हूँ। सुन लिया, निकलो